श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? तो भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और ये करवा चौथ का व्लॉग आ चुका है, तो एक बार फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। और अब यहाँ से स्टार्ट है ब्लॉग। तो रात के बजे हैं 10, मेरा सुबह से टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा मेहंदी लगाने का। तो हमारे पास वाले मार्केट में बहुत सारे मेहंदी वाले बैठते हैं, और यहाँ पर मैं ना गरुआ भी ले रही हूँ अभी, क्योंकि मैं भूल गई थी। और गई भी थी मैं मार्केट में, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो यहाँ पर अभी मैं मेहंदी लगवाने वाली हूँ, और मेहंदी इतनी बेकार लगी हुई थी ना कि मैं आगे जाके बताऊँगी आप लोगों को, मैंने शेयर भी किया है आपसे। तो यहाँ पर ये दोनों लेडीजें लगा रही हैं, खाली बैठी थी, बहुत सारे लोग खाली बैठे थे यहाँ पर। और 10 बजे से पहले जो भीड़ थी, बाप रे बाप, मतलब एक पैर रखने की जगह नहीं थी इस मार्केट में। तो यहाँ पर मैं मेहंदी लगा देती हूँ, और खाना वाना खा के हम आ चुके हैं। थोड़ा सा खाना भी पच जाता है, तो हम चारों के चारों आए हैं, बिल्कुल हमारे घर के ठीक सामने ही हैं। और ये जो मेहंदी लगा रहे हैं ना, तो ये 200 रुपये वाली मेहंदी है। पहले 500 बोल रहे थे दोनों हाथ के, तो हमने 470 दिए, यानी कि 70 इसलिए दिए कि बाबू के हाथ पे भी इन्होंने थोड़ी सी एक बेल सी बना दी थी। वैसे दिन सबका आज ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी लगाना चाहिए। तो आजकल ना जिसको थोड़ा सा भी लगाना आता है वो भी बैठ जा रहे हैं, मतलब बैठ जाते हैं इस दिन। तो चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर बाद में थोड़ा सा मेरा ना मूड ख़राब हो गया था, ये देखिए उन्होंने बिल्कुल जैसा बच्चा लगाता है ना मेहंदी, इधर वाली लेडीज़ ने तो बिल्कुल ही ये देखिए। तो ये रही मेरी मेहंदी, और ऐसी मेहंदी तो मैं भी लगा देती। ये देखिए पीछे बेल देखिए आप, बिल्कुल ऐसा कर दिया उन्होंने कि मतलब काम तमाम ही कर दिया पूरा, तो मुझे अच्छी नहीं लगी। और जो इस हाथ में मेहंदी लगी हुई है ना, तो थोड़ी सी मुझे ठीक लगी। ये पीछे भी जो इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है ना बेल का, तो ये ठीक है, लेकिन इधर वाली ने तो बिल्कुल ही खराब कर दिया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? तो आई होप कि अच्छे होंगे, ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया होंगे। और आज है करवा चौथ। करवा चौथ की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोगों का सुहाग हमेशा ऐसे ही चमकता रहे। और आप लोग जिनका भी व्रत है और जिनका नहीं भी है, जो नहीं लेते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल जीवन की। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, और अभी बाल सूखे भी नहीं है, सुबह का टाइम है, तो मैंने सूट डाल लिया है, और ये सूट के साथ चुन्नी डाल ली है, मतलब कुर्ती डाल ली है मैंने। तो ये जो मैं लाजपत नगर से लाई थी ना, तो यही वाली चुन्नी मैंने ले ली है, और बस कुछ नहीं पहना है, कानों में ये पहने हैं, और ये मैंने मंगलसूत्र भी पहन लिया है। मैं रेडी हो गई हूँ, और ये मेरी मेहंदी रही। मेहंदी कुछ खास नहीं वो हो रखी है, चूड़ियाँ डाली है मैंने इतनी इतनी, बाकी चूड़ियाँ मैं बाद में डालूंगी, यानी कि अर्घ देते समय, पूजा करते समय शाम को। तो अभी एक बार पूजा कर लेते हैं। जब मैंने पहले वाला व्रत लिया था तो मैं पंजाब में थी, तो मैंने वहीं के हिसाब से जो भी मतलब रूल फॉलो होता है वहीं के हिसाब से किया है, तो मैं उन्हीं रूल को फॉलो करती आई हूँ, तो मैं वैसा ही करती हूँ जैसा जैसा मैंने पहले व्रत में किया। और ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर का नाम लेना है, तो ऐसा नहीं कि मतलब ये हम गलती करेंगे तो ये गलती वो, ये सब कुछ नहीं होता है। बस श्रद्धा होनी चाहिए, और दिल में सच्चाई और विश्वास होना चाहिए, है ना। तो चलिए अभी मैं पूजा कर देती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ मैं, और सारा सुबह का काम निपटा के, और 6 बजे नहा गई, नहीं 6 बजे नहीं, 6 बजे के बाद ही नहाई होंगी। तो नहा गई हूँ मैं, और बस अब पूजा कर लेंगे, और अब सीधा 4 बजे होगी पूजा। तो आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताना। तो मैंने पूजा कर ली है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद।
मैंने दिन का कुछ भी शूट नहीं किया और अब सीधे मिल रही हूँ मैं आप लोगों को 4 बजे। और मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता है, यहाँ पर मैंने साड़ी डाल ली है और हर रोज ना रेड साड़ी डालते हैं, मैंने सोचा कि इस बार मैं ऐसी साड़ी डालती हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और डाल ली है मैंने साड़ी, ये देखिए। और मुझे साड़ी पहननी बिल्कुल नहीं आती है। और कल ना बाबू ने नीचे फर्श में पूरा नेल पेंट गिरा दिया और उसने डांट भी खाई है मेरी बहुत। तो ये देखिए पूरा रेड रेड हो रखा है। तो अभी मैं थिनर लाऊंगी और थिनर से निकालूंगी। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और ये पहन ली है मैंने साड़ी। मुझे साड़ी पहननी इतने अच्छे से नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए पहन लेती हूँ। और कान के मैंने चेंज नहीं किए, वही हैं। और बस सिंपल सा मेरा लुक। और मेरी एक बहन है दीपिका, तो दीपिका ने पूछा था कि दीदी आप साड़ी में कैसे लगते हो जरा बताना। तो ये है मेरा लुक और बिल्कुल भी नहीं आती है मुझे साड़ी पहननी, बस काम चलाओ साड़ी पहननी आती है मेरे को, क्योंकि हमारे पे ना इतनी साड़ी नहीं पहनी जाती है। और छूट सा गया है, मतलब सबका बस फैशन हो गया है कि बस सूट डालो कुर्ती डालो। और पुराने ज़माने में पहनते थे साड़ी, बहुत पहनते थे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में, तो जैसे भी पहनी है बस ऐसी ही पहनी है। और यहाँ पर फोटो सेशन हो रहा है, तो आज हस्बैंड जी भी घर पे हैं और सबके ही घर पे होंगे क्योंकि संडे को करवा चौथ का व्रत पड़ा है। तो वो भी बैठ गए हैं यहाँ पर कथा सुनने के लिए और बाबू भी बैठी है, तो बाबू पढ़ेगी कथा और मैं यहाँ पर पिठाई वगैरह लगा देती हूँ। तो पंजाब में क्या होता था ना, पंजाब में सारे ग्रुप में जाते थे हम, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं जाती हूँ। पंजाब में त्योहारों का जो मज़ा है ना, वो अपना ही अलग है। और बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से 1.5-2 साल तक हमने त्यौहार वहाँ पर सेलिब्रेट किए। तो चलिए यहाँ पर अब कथा संपूर्ण हो गई है और अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हो गई है पूजा और अभी बना रही हूँ मैं खाना। तो मैंने फिर से कर लिया है चेंज, जब अर्घ देंगे तो तब पहन लेंगे साड़ी। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर। और यहाँ पर मैंने टमाटर काट के रखा हुआ है, प्याज लहसुन अदरक ये सब काट के रखा हुआ है, काजू रखा हुआ है और हरी मिर्च भी रखी हुई है यहाँ पे। मैंने ना कुछ दिन पहले ये खरीदे थे और ये विनोद की कढ़ाई है, तो अभी मैं इनका उद्घाटन करूँगी। आज शुभ दिन है, मैंने सोचा कि दीपावली के दिन, लेकिन आज भी बहुत शुभ दिन है, अच्छा दिन है। तो अभी मैं इसमें बनाऊँगी खीर या शाही पनीर जो भी बनाऊँगी। और ये पैन है तो इसमें मैं बनाऊंगी आज भिंडी। तो उद्घाटन करेंगे, कुछ मीठा बनाएंगे कढ़ाई में, तभी हम यूज करते, जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में नया बर्तन खरीदते हैं तो उसमें पहले मीठा बनता है, अच्छी बात है ना। और ये है खीर के चावल, तो मुझे इन खीर के चावलों का अंदाजा नहीं है कि कितने रखने हैं, वैसे आधी कटोरी रखूंगी मैं, आधी कटोरी से। मेरा दिमाग ऐसा हो रखा मैं इनको दूध धोने जा रही थी पन्नी से। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, इसमें डालूंगी मैं सरसों का ऑयल और हम सरसों का तेल ही खाते हैं, तो तेल गरम हो चुका है। थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी इसमें और अभी डालूंगी तेज पत्ता और ये 1 लौंग और 1 इलायची और प्याज लहसुन अदरक डाल दूंगी मैं इसमें। और ड्राई फ्रूट मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए ये गर्म हो जाता है। तो 3-4 बादाम और 3-4 काजू मैंने डाल दिए हैं, इनको मैं अच्छे से भून लूँगी और इधर चढ़ा लूँगी मैं अपने लिए भिंडी। मुझे भिंडी अच्छी लगती है और व्रत में तो वैसी चीज़ें खाने का मन करता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं एक चूल्हे पे भिंडी चढ़ा देती हूँ, तो डाल दिया है मैंने इसमें तड़का और अभी भिंडी डाल दूँगी मैं। और फटाफट से मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूंगी, आप लोग बताना कि आप लोग खाते हो प्याज टमाटर और ये सब जो होता है लहसुन वगैरह तो व्रत में। और इसमें तो मैंने बना दिया है और बस ये देखिए यहाँ पर फटाफट से तड़का भी, वो सॉरी ग्रेवी तैयार हो रही है शाही पनीर के लिए। मसाला मैं भून रही हूँ अभी खीर चढ़ाने जा रही हूँ, तो खीर भी चढ़ाऊंगी मैं साथ साथ में, तीनों एक साथ ही बन जाएंगे।
पर मैंने सोचा कि अर्घ देने से पहले सारा खाना बना देती हूँ मैं, और ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, बस शाही पनीर और भिंडी की सब्जी और खीर और रोटी बनाएंगे, और बच्चों के लिए मैं पूरी तल दूंगी। तो यहाँ पर ये जो बारीक वाले चावल होते हैं खीर वाले, तो ये बना रही हूँ मैं। और मैं ना जो भी आज तक खीर बनाती थी वो अपने गाँव के चावलों से बनाती थी, तो इन चावलों की मैं पहली बार बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास दूध फिलहाल अभी के लिए, जब तक ये गलते हैं, और ये बहुत जल्दी गल गए थे, तो ये तीसरे गैस पे मैं चढ़ा लूँगी चूल्हे पे, और रख दिया है मैंने। और किसी ने ना मजाक में मेरे को बोला था, मजाक में नहीं मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था कि बबीता ये जो पैन है ना, इसका जो पकड़ने वाला होता है वो टूट गया है, या तो इसको हटा दो और या तो इसको लगवा दो। तो बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोग सजेशन देते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खीर हो चुकी है, और अभी अब डाल दूँगी मैं इसमें दूध। तो दूध मैंने इसलिए नहीं डाला पहले कि थोड़ा सा ये गल जाएंगे, नहीं तो दूध भी वो खींच जाता है ना। तो बस अब डाल दिया है मैंने प्रॉपर दूध, और अब मैं इसमें थोड़े से मखाने और किशमिश डाल दूंगी। और बादाम और काजू डालने को मना किया है बच्चों ने कि बादाम और काजू मत डालना मम्मी, आप इतना इतना डालते हो, तो मैंने डाले ही नहीं। और यहाँ पर बस तीनों चीज़ बन चुके हैं, और आटा मेरा गूंथ के तैयार हो चुका है। तो मैं इसमें इलायची डाल दूंगी, वैसे ठंडे करके डालने थे लेकिन मैंने अभी डाल दिए हैं। तो इसमें मैं मसाले भी ऐड कर लूँगी फटाफट से ग्रेवी के लिए, और ग्रेवी तैयार हो चुकी है, तो मैं इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। और चुटकी में मेरा खाना बन गया है फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने डिटेल से नहीं बताया है, और अभी ये पनीर काट के मैं रेडी कर लूँगी, और ग्रेवी पीस के रेडी हो चुकी है। तो चलिए शाही पनीर भी बना लेते हैं। गर्म पानी मैंने रख लिया है, और गैस किचन बहुत मैसी गंदा हो रखा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और यहाँ पे थोड़ा सा तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और ये कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ना। तो यहाँ पर ग्रेवी को मैं अब डाल दूँगी इसमें, और बस इसको थोड़ा सा एक दो मिनट भून लूँगी। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए बस ग्रेवी मैंने डाल दी है, पनीर को भी मैं ऐसे डाल दूँगी। थोड़ा सा सख्त सा हो जाता है इस ऐसे करके, पनीर टूटता नहीं है बिल्कुल भी। ये अच्छा वाला पनीर लाते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन से दुकान से लाते हैं, जिसको मैं लाती हूँ वो अक्सर टूटता है। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं अब धीरे धीरे करके पानी बढ़ा देती हूँ, जैसे थिक सा होगा जैसे जैसे, तो अंदाजा से मैं पानी डालती जाऊँगी इसमें। और बस पानी मैंने ऐड कर दिया है, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये बच्चों के लिए बनाया है मैंने, मेरा ये खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा तो बस भिंडी की सब्जी फेवरेट है, उसी को खाऊंगी मैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं मलाई भी डाल देती हूँ, ये अमूल की फ्रेश मलाई है। और अभी बन चुका है यहाँ पर शाही पनीर, तो मैं डाल दूंगी इसमें कटा हुआ हरा धनिया। और बस खाना बन चुका है, पूरी और रोटी मैं बाद में बनाऊँगी। और अर्घ देने का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले अर्घ देंगे। चलना मामा निकले भी होंगे, तो बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, और 9:30 बजे का टाइम हो गया है, और ऐसे में छत में नहीं जा सकते ना पार्क में जा सकते हैं। मैं उस अंदाजे से अर्घ दे दूंगी चांद को, जो पिछले साल मैंने अर्घ दिया तो ये उत्तर दिशा पड़ती है, और बाहर हमारे बालकनी में पौधे लगे हुए हैं। अपने चांद को भी उधर ही खड़ा होने को बोलूंगी, और चंदा मामा को हम अर्घ दे देंगे। तो चलिए मैं अभी दीपक वगैरह सब जला लेती हूँ, और बालकनी में ही देना पड़ेगा, मजबूरी है, और चंदा मामा को कैसे देखेंगे, बारिश पड़ी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सारी कुछ तैयारी कर दी है, और अब मैं दीपक जला लूँगी, और बालकनी में ही मुझे अर्घ देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। और मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पार्क में जाएं या छत में जाएं, तो क्या करें, अर्घ तो देना ही है। 9:30-10 का टाइम हो गया है, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर, ये उत्तर दिशा है, और जब भी मैं छत में अर्घ देती हूँ तो इसी दिशा को देती हूँ जिधर चंदा मामा निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं दे दूंगी अर्घ, और मैंने कुछ क्लिप काट दी है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, तो बस इस तरीके से मैं ईश्वर का नाम लेके, और फिर हम छलनी से इस तरीके से देख लेंगे। और उधर मैंने दिया रख दिया है जलता हुआ, इधर तुलसी माता है, इधर समी का पेड़ है, और पारिजात वृक्ष है, आंख का पौधा है, आम का पौधा है, और नीम का पौधा है, बहुत सारे पौधे मैंने इधर लगाए हुए हैं। तो बस अर्घ दे दिया है, और काना देख रहा है मेरा
कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने कुछ क्लिप काट दी। हेलो दोस्तों, तो अर्घ हमने दे दिया है और अभी खाते हैं खाना। बच्चों ने खाना खा लिया है, बस हम दो ही रह गए थे। तो चलिए, यहाँ पर एक दो फोटो मैं खिंचा रही थी अपने, और बाबू ने कहा कि मम्मी आपकी फ़ोटो निकालते हैं, तो मैं फ़ोटो निकलवा रही थी यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।